वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत ही डिलीशियस और आसानी से बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्जी। मैंने दो कच्चा केला लिया है, टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। मसाला में हमने लिया है सरसों, धनिया, काली मिर्च, जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, 4-5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने इस तरह से कट कर लिया। और 2 प्याज को हमने रफली इस तरह से चॉप कर लिया है। पहले केला को कट कर लेते हैं। आगे और पीछे का पोर्शन इस तरह से कट कर लेना है और छिलका को इस तरह से निकाल लेना है। इसका छिलका हार्ड होता है तो सावधानी से निकालें। छिलका निकाल करके मैं पीसेस में कट करके आपको दिखाती हूँ जो कि इस तरह से पीसेस में कट करना है। देखिए, इस तरह से हमने पीसेस में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद तुरंत हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि केला काला ना पड़े, इसलिए कट करने के बाद तुरंत पानी में डाल दें। अब इसे पानी से निकाल लेते हैं। पहले निकाल करके सेम बाउल में इसे हम फिर से ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। पहले आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक हल्दी डाल करके इसे हम नमक हल्दी में कोट कर लेंगे ताकि केला में थोड़ा सा नमक एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से कोट कर लेना है। आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन को हम हीट कर लिया है और उसके बाद डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। ये सब्जी हम मस्टर्ड ऑयल में बना रहे हैं ताकि सरसों वाली सब्जी जब भी बनाएं मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। सभी केला को डाल करके पहले केला को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब तक इधर केला हमारा फ्राई हो रहा है, हम इधर मसाला को पीस करके रेडी कर लेंगे। सभी मसाला को मिक्सी के जार में डाल करके इसका हम पेस्ट बनाएंगे। हमने पानी तो डाला ही नहीं, बिना पानी का मसाला पीसेगा कैसे। मैं पानी डालना भूल गई थी, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेती हूँ। देखिए, मसाला हमारा पीस गया है और उधर केला भी हमारा फ्राई हो चुका है। तब सभी केला को निकाल लेते हैं। केला हमारा अच्छी तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी तरह से केला को फ्राई करना है अच्छी तरह से। सभी केला को निकाल करके सेम पैन में हम ग्रेवी डालेंगे। पहले हम तड़का डालेंगे। तड़का में हम डालेंगे राई। राई हमारा अच्छी तरह से तड़क गया तो इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को डाल करके हमें इसे लाइट ब्राउन करके भूनना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा ही भूनना है। प्याज हमारा थोड़ा भुना गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाला जो हमने पीस करके रेडी किया था। डाल करके मसाला के संग प्याज को थोड़ा सा हम चला लेते हैं इस तरह से, देखिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, आधा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे, हमने सभी खड़ा मसाला को एक साथ पीस लिया था, इसलिए पाउडर वाला कोई मसाला नहीं डालेंगे और ना ही कोई मार्केट का मसाला डालेंगे। डाल करके प्याज टमाटर और मसाला को सभी को मिलाते हुए हमें इसी तरह से भूनना है। हमने डाल दिया आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, हमने कलर के लिए डाला है। देखिए, मसाला भी हमारा थोड़ा सा भुना गया है तो इसे हम चला करके लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है, देखिए मसाला भी करीब करीब हमारा भुना गया है। मिक्सी के जार में थोड़ा मसाला लगा हुआ था तो उसमें हमने पानी डाल करके मसाला में डाल दिया है और चला करके फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक होने देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। मसाला का अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मसाला से ऑयल रिलीज हो रहा है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। तब इसे हम डाल देंगे केला के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। डाल करके सभी को मिलाते हुए मसाला के संग भुनेंगे केला को ताकि मसाला का फ्लेवर केला में एब्जॉर्ब हो जाए। 1 मिनट तक भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेवी। ग्रेवी में हमने गुनगुना पानी डाला है, ठंडा पानी, नॉर्मल वाटर ना डालें। नॉर्मल वाटर डालने से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो थोड़ा गुनगुना पानी ही डालें। डाल करके इसे मिला करके देखिए लो फ्लेम पर हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा मसाला केला सब अच्छी तरह से एक संग कुक हो जाए और सबका फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए केला में। 1 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा कच्चे केले की सब्जी बन करके रेडी है।
ये सरसों वाली सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल मछली की तरह लगती है खाने में। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और सभी को बना करके खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।